ओए की हाल है गा लंडो, सस्रिया काल। गाइस आज हम लोग एक और बार खेलने वाले हैं सुपर सिटी, और सुपर सिटी में आज हम लोग बनाएंगे फ्लाइंग जग। और गाइस काफी दिनों के बाद एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सुपर सिटी में। और गाइस ये क्या टाइगर श्रॉफ, छोटी बच्ची हो क्या? तुम लोग को कस्टमाइजेशन भी देखना है ना फ्लाइंग जेट का, इसके लिए देखो मैंने इसको सुबह से नंगा रखा है, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब इसको मैं कपड़े पहनाऊंगा। तो गाइस अब सब लोग ध्यान से देखना कि किस तरह से बनता है एक फ्लाइंग जेट। हमारे फ्लाइंग जेट के बाल कैसे होते हैं, एकदम लंबे लंबे जैसे कि मेरे, एकदम मस्त। तो गाइस हमें फ्लाइंग जेट के बाल मिल गए, अब इसकी शर्ट पैंट चड्डी बनियान सब कुछ लगानी पड़ेगी। तो गाइस सब लोग ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो फिर गाइस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस एक शर्ट ले ली हम लोग ने, और उसकी शर्ट का कलर होता है ब्लू। तो गाइस ये ब्लू शर्ट एक हो गई हमारी, और उसके ऊपर कुछ होता भी है ना ऐसे, एक सेकंड गाइस मैं भूल गया कैसा होता है फ्लाइंग जेट दिखने में। ओह गाइस, तो गाइस हमारे फ्लाइंग जेट के छाती पर यानी कि जहाँ पर सुपरमैन का लोगो होता है वहाँ पर हमारे फ्लाइंग जेट के सिक्किज्म का सिंबल है। तो गाइस हम लोग को वो सिंबल तो शायद इस गेम में नहीं मिलेगा, तो हम लोग को किसी और चीज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ मिलता जुलता ही मिल जाए, सुपरमैन का ही लोगो लगा दे क्या हम लोग? नहीं भाई, फिर वो फ्लाइंग जेट नहीं रह जाएगा। बात तो सही है। ओके तो कुछ और देखते, या तो हम लोग ये आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लगा दे, देखते गाइस कुछ और मिले तो, वरना हम लोग को उसी से काम चलाना पड़ेगा। गाइस ये थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, गोल सा है। नहीं यार, तो गाइस ना हम वो लेंगे ना वो ये लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इल्यूमिनाटी गाइस। तो गाइस हमारा ऊपर का फ्लाइंग जेट रेडी हो गया, अब हम लोग को इसकी स्लीव्स लगानी है। तो गाइज हम लोग ने फ्लाइंग जेट की स्लीव्स भी लगा दी। और गाइज तुम लोग को याद है, अगर तुम लोग ने फ्लाइंग जेट मूवी देखी होगी, कि फ्लाइंग जेट के हमेशा एक हाथ में कड़ा होता है, तो यहाँ पर तो हमारे दोनों हाथ में कड़े, तो हम लोग को एक हाथ का हटाना पड़ेगा इसको। और गाइज हमारे फ्लाइंग जेट के यहाँ यहाँ पर पीले कलर की पट्टियां भी होती है, इसको भी हम लोग लगा देते हैं गाइज। A few moments later. तो गाइस हमारा 50% फ्लाइंग जेट रेडी हो चुका है, अगर आप लोग नीचे से ना देखो तो। अब हम लोग नीचे वाले पार्ट में आते हैं। तो गाइस नीचे, और गाइस फ्लाइंग जेट की बेल्ट पे एक शेर का निशान होता है, तो गाइस हम लोग को उससे भी मिलता जुलता कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को वो तो नहीं मिलेगा अभी। तो हम लोग इसको ही पीला कलर का करके लगा दे क्या, क्योंकि ये हमारे लोगो से भी मिलता जुलता होगा जो हमारी छाती पर है। ओके इधर का जुगाड़ तो हो गया, अब नीचे की इसको पैंट पहनाते और फटाक से करते हैं फ्लाइंग जेट की फाइट। बन गया हमारा फ्लाइंग जेट, बस इसके शूज नहीं है। तो गाइज अब इसके शूज लगाने पड़ेंगे, 80,000 के शूज है, समझा क्या? 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। अच्छा गाइज हमारा 99% फ्लाइंग जेट रेडी हो गया है, बस 1% बचा है, और वो है फ्लाइंग जेट का मास्क। अब फ्लाइंग जेट का मास्क हम लोग को ढूंढने का है। तो गाइज काफी सारे मास्क ढूंढने के बाद हम लोग को फाइनली मिल चुका है ये, जो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट हमारे फ्लाइंग जेट की तरह दिख रहा है। और गाइज अब हम लोग इसी को लेकर खेलेंगे। तो गाइज अब चलते हैं जल्दी से जंग के मैदान के अंदर, और देखते हैं हमारे फ्लाइंग जेट में है कितना दम। तो गाइज अगर तुम लोग ने फ्लाइंग जेट मूवी देखी है तो तुम लोग को पता है फ्लाइंग जेट और राका दोनों पहली बार एक मार्केट में भिड़े थे। तो गाइज हमें मार्केट तो नहीं मिला है, हमें ये स्टोर मिला है, आज हम लोग को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइज जल्दी से हम अपने फ्लाइंग जेट को ले आते हैं। और गाइज अब आ रहा है राका, देखो कोई भी जज मत करना, अगर अच्छा बना है तो मेरे को अच्छा बताओ, अगर बेकार बना है तो गाली कोई नहीं देगा मेरे को। ओके गाइज यहाँ पर फ्लाइंग जेट और हमारे राका आ चुके हैं, और मैंने फ्लाइंग जेट को चुन लिया। गाइज राका कैसा लग रहा है तुम लोग को देख के बताओ जरा। तो गाइज हमारे फाइट करने से पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लेते। ओ ये क्या भाई, चॉकलेट खाने से सीधा उल्टी हो गई भाई, थोड़ी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो गाइस बर्गर खा के शक्ति बढ़ गई, अब थोड़ा सा गाजर खा के शक्ति बढ़ाई जाए, और ये थोड़े अंगूर। तो गाइस फ्रूट्स बहुत ही सेहतमंद होते हैं, तुम लोग भी खाया करो। और गाइस हम लोग ने फ्रीज कर दिया है राका को। ओके तो गाइस ये भी मैंने फ्लाइंग जेट की मूवी से ही उठाया है। तुम लोग को मालूम है कि एक सीन में फ्लाइंग जेट सबको फ्रीज कर देता है और सब लोग को बचाता है गुंडों से। तो गाइस इसी तरह से हम लोग ने सुपर पावर ली है फ्रीज करने की। और गाइस यहाँ पर दे लात दे घुसे, और एक और लात गाइस हमारे फ्लाइंग जेट के सामने। राका तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये क्या कर लेगा हम लोग के सामने।
अच्छा अच्छा मार के दिखा। और गाइस हम लोग ने जर्मन सुप्लेक्स दे दिया है भाई। अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच में नहीं है तो क्या हुआ, फ्लाइंग जेट उसकी सारी कसर पूरी कर देगा। ये अरे भाई लात मारता है तेरी ऐसी की तैसी भाई, बहुत मार रहा है ये तो। ओ अरे क्या लात मारी यार इसने भाई, इतना खतरनाक लात भाई। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपनी सारी वो एनर्जी फुल कर ली है सब कुछ खा पी के, वरना ये तो अब तक अपने को खत्म कर दिया होता। ओ अब लोग के ऊपर कूद पड़ा ये राका 100 किलो का भाई, 100 भी नहीं 200 किलो का होगा ये तो। गाइस सिलेंडर ले लिया इसके हाथ में, अब इसके हाथ में बहुत ही संभल के जाना पड़ेगा, नहीं तो सिलेंडर की एक फाइट मार के हम लोग को मार देगा। तो गाइस थोड़ा पिज्जा खा लेते, थोड़ी एनर्जी करते। ओ भाई जिस बात का डर था वही हुआ, इसने सिलेंडर दे मारा है हम लोग के सर पे। ए मर्द की तरह लड़ना, मर्द की तरह। ये सब उठा के क्या मारता है, मैं तेरे को कुछ उठा के मारा क्या? दम है तो अपनी स्पेशल पावर यूज करके दिखा। और एक और जर्मन सुप्लेक्स भाई, मजा आ रहा है मजा। वेलकम टू द सुप्लेक्स सिटी। तो गाइस तुम लोग एक बात मेरे को सच्ची सच्ची बताना, ये तुम लोग को बिल्कुल फ्लाइंग जेट जैसा लग रहा है ना? अगर नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, पर अगर थोड़ा सा भी लग रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं तुम लोग को हार्ट दूंगा। और भाई तू मेरा हार्ट क्यों मुझसे छीनना चाहता है भाई, आराम से लड़ना भाई। राका भले ही ज़्यादा नहीं मार रहा है, पर वो जितना भी मार रहा है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है हम लोग को। ए देखो इसकी लात देखो भाई। ओ भाई अरे मेरे को उड़ के थोड़ा उधर तो जाने दे भाई, रेस्ट करने दे। और गाइस ये क्या एंगल लॉक लगा दिया इधर पे राका ने हम लोग को भाई। ओ छूट गया भाई, बहुत ही कम आ गई। ओ नो 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 भाई, एक स्लैम का बचा हुआ है हमारा फ्लाइंग जेट। नहीं नहीं भाई अब, अरे यार क्या मतलब इतना फ्लाइंग जेट बना के जब इस राका से इस टकले से हम लोग हार गए। बेइज्जती कर दी गाइस, इस राका ने हम लोग की बेइज्जती कर दी, अब होगा इसका खात्मा। जाको राके साइया, मार सके ना कोई। तो गाइस हमारा फ्लाइंग जेट एक बार फिर से आ गया है, पर इस बार हमारा फ्लाइंग जेट पगड़ी पहन कर आया है, इस बार भगवान भी उसका साथ देंगे। और गाइस थोड़ी सी हमारी टाइगर स्टॉक की बियर्ड भी निकल आई है। तो गाइस यहां पर हमारा राका थोड़ा और पावरफुल हो गया है, पर गाइस टाइगर श्रॉफ ने सॉरी फ्लाइंग जेट ने एक और जर्मन सुप्लेक्स दे दिया, और ये दूसरा जर्मन सुप्लेक्स गाइस इस बार ये नहीं बचेगा। तो गाइस हाँ हम लोग बात कर रहे थे टाइगर श्रॉफ के दाढ़ी की। तो गाइस डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी आदमी को दाढ़ी दे सकती है, वो चाहे टाइगर श्रॉफ हो चाहे वो मिथ पैट हो। ओ ओ और ये लंबी, ओ भाई अरे यार ये तो अभी भी हम लोग को मार रहा है भाई, ऐसा लग रहा है सिर्फ हम नहीं पावरफुल होकर आए, ये राका हमसे भी ज्यादा पावरफुल होकर आया। पर इस बार हम लोग जीतेंगे गाइस, अगर इस बार हार गए तो भाई फ्रीज कर दिया एक बार फिर से। और एक और जर्मन सुप्लेक्स भाई, जब जर्मन सुप्लेक्स आते हैं मुझे अलग ही मजा आता है पता नहीं क्यों। और एक और जर्मन सुप्लेक्स भाई, इस गेम का रिकॉर्ड है, इस गेम में हम लोग का एक भी बार जर्मन सुप्लेक्स फेल नहीं हुआ। और ये लंबी छलांग राका के ऊपर, राका अब मैं तेरे को बनाऊंगा काका। अरे भाई बुरा मान गया भाई, राका बुरा मान गया भाई, काका बोलने पे बुरा मान गया। ओ अरे यार चूक गया, इधर उधर पे क्या भागता है। ओ भाई क्या भाई, इसने सिर्फ मेरे को टच किया और मैं इतना दूर जाके गिरा, ये क्या इसकी स्पेशल पावर है क्या गाइस? ओ नहीं 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 नहीं, ओ भाई क्या मूव है यार भाई, ये कौन सा मूव था, मैं बस इधर उधर पे क्लिक किए जा रहा हूँ और जो मूव आ रहा है वही इसको लगते जा रहे। और एक और जर्मन सुप्लेक्स भाई, जर्मन सुप्लेक्स की तो बारिश हो रही है यार, इतने जर्मन सुप्लेक्स तो ब्रॉक भी अपने मैच में नहीं मारता है जितने इधर पे अपना फ्लाइंग जेट मार रहा है। ओके भाई हमारा फ्लाइंग जेट उड़ सकता है पर ये राका नहीं उड़ सकता। और भाई ये तो नींद में सो रहा है भाई, मतलब इसकी हेल्थ बहुत कम है। और हम यहाँ पर जीत गए गाइस, राका चल जाके अब बन बच्चों का काका। हमारे फ्लाइंग जेट ने राका को हरा दिया है। और गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे जल्दी से कर दो लाइक्स, ताकि हम फ्यूचर में कोई और भी सुपर हीरो ऐसे ही क्रिएट करके उसकी वीडियो बना पाए।